गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फंकी सिसु। एंड आज हम लोग जा रहे हैं डीगा। एंड यहाँ पर हम लोग की बहुत मस्ती चल रही है। हम लोग सुबह सुबह 6 बजे उठे थे एंड अभी हम लोग रास्ते में हैं। हम लोग अपने नेबर को पिकअप करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हवा भी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ना, हम लोग कब पहुँचेंगे डीगा। एंड यहाँ पर हम लोग को हमने अपने नेबर को पिकअप कर लिया है। एंड हम लोग आए हैं आनंद रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं यार। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हम लोग अब देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है इनका खाने का, हम लोग आपको रिव्यू देते हैं। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, चलिए लेट्स गो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेनेड था। एंड यहाँ पर हम लोग ने मंगाया था डोसा मसाला डोसा एंड चिकन सैंडविच। मैंने जब डोसा ट्राई किया मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग ने चिकन सैंडविच खाया था। एंड यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर एक कैट की थी मेरी फेवरेट। एंड यहाँ पर दशहरा, मतलब ऐसे पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पर ऐसे वैसे घूम के देख रही थी कितना ब्यूटीफुल है ये। आप भी इसे आके एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। एंड अभी हम लोग ये सब को देख रहे, देखिए ये मैन कैसे झांक रहा है हम लोग को। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी है। एंड ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग है। एंड हम लोग अब फिर से अपने रास्ते में चले गए। एंड ये है डीगा गेट, कितना ब्यूटीफुल है ये, देखिए कितना बड़ा। अब हम लोग होटल पहुँच चुके हैं। एंड माशाल्लाह होटल भी बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। एंड इस होटल का नाम था मिनट होटल। ये काफ़ी मतलब अच्छा था और बड़ा था। चलिए अब हम लोग अंदर जाके देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, मतलब आई थिंक ब्यूटीफुल ही होगा। अब हम लोग जा रहे हैं, इसके एंट्री कर रहे हैं। जाते जाते मैं तो एकदम नर्वस हो रही थी, कैसा रूम मिलेगा यार। हम लोग पहुँच चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। वाह, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ थे, वाह पेंटिंग्स भी है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत कूल था। आप भी ट्राई करिएगा आके ज़रूर। यहाँ पर मिरर्स भी लगे हुए हैं, जैसे गोल्डन, देखिए सिल्वर गोल्डन, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर मैं अपने आप को देख रही थी। यहाँ पर हम लोग अपने नेबर के साथ पहुँच चुके हैं। कितना बड़ा ये झूला था, झूमर था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, गोल्डन कलर का था। एंड अब हम लोग आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कैसा ये। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा एक्वेरियम भी था यहाँ पर। यहाँ पर बहुत बड़ा रूम था, मतलब ये जो हॉल है ना कितना बड़ा है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्वेरियम दिखाती हूँ छोटा सा, ये देखिए ये कितनी क्यूट फिशेस है, गोल्डन। ये मुझे सबसे फेवरेट मेरा गोल्डन है। यहाँ पर एक और एक फिश है, ये देखिए वाइट कलर की। यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ अच्छे से एक्वेरियम, ये देखिए यहाँ पर वाइट कलर की फिश है, गोल्डन कलर की फिशेस है, बहुत सारी फिशेस है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी ये सब। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था, रियली कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग अब सोफ़ा में बैठ चुके हैं, कितना मज़ा आ रहा था यार। हमारे पापा अभी मैनेजर से बात कर रहे थे और कितना हम लोग वेट कर रहे थे कब हम लोग रूम में जाए। एंड यहाँ पर ही जब मस्ती करी थी फिशेस के साथ, बार बार बलाई ले रही थी, आई डोंट नो क्यू। ये हम लोग फिशेस के साथ खेल रहे थे जब तक वेट कर रहे थे। मुझे तो बस वेट हो रहा है कि कब हम लोग रूम में जाए। ये देखिए एक फिश, ये पता है कितनी वियर्ड लग रही है यार, बहुत फनी भी लग रही है। ये अपने मुंह से क्या जो गंदगी जर्म्स होती है ना वो खाती है। इसका नाम है जर्म्स ईटर फिश। ये ब्लैक कलर की है, ये बस ना जर्म्स खाते रहती है, कितनी वियर्ड लग रही है। एंड ये एक्वेरियम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, हर जगह से सजा हुआ था। मुझे कब हम लोग बस जाए रूम, मुझे बस ये था। एंड इस होटल में ना स्विमिंग पूल भी है बहुत बड़ा। तो ये जब बार बार से फिश को बलाई ले रही थी जब तक हम लोग पापा अभी पूरा, ये देखिए ये मिनट होटल का लोगो है, कितना ब्यूटीफुल है ना, कितना बड़ा है। ये देखिए यहाँ पर एक डॉल है। एंड यहाँ पर एंट्री होता है हमारे ट्यूरेटर फिशेस का। अब हम लोग पापा ने शायद बात कर ली है, तो देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे आई थिंक रूम। मुझे नहीं पता कौन सा रूम नंबर मिलेगा, मुझे लगता है मतलब 300 के अराउंड मिलेगा, क्योंकि देखते हैं। मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि पूजा वेकेशन से में हम लोग आए हैं और वैसे भी रूम एकदम भारी होगा। अब हम लोग अपने होटल में आए हैं। वाह कितना अच्छा रूम है, देख सकते हैं यहाँ पर मिरर्स है एंड विंडोज़ है। यहाँ पर अलमीरा भी दिया है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ विंडो के बाहर का। वाओ एक और एक बिल्डिंग, कितनी क्यूट व्यू है। अब हम लोग आपको बेड दिखाते हैं, ये देखिए मिरर है,
यहाँ पर ईजा बैठी हुई थी, मस्ती कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग को मेन्यू भी दिया है, सोफ़ा एंड हम लोग ने हमारा सारा सामान निकाला था। हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग की लिटिल सिस्टर सारा कितने मजे से खेल रही है यहाँ पर, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, उसका भी मज़ा आ रहा था। हम लोग उसने न्यू घर देखा ना, और यहाँ पर हम लोग को इतना बड़ा बालकनी भी दिया था। एंड यहाँ पर ईजा झाँक रही थी, ये देखिए यहाँ पर स्विमिंग पूल भी था। यहाँ पर हम लोग को रूम नंबर मिला था 313। ये देखिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल था, कितना मज़ा आ रहा था। ईजा भी देख रही थी, हम लोग तो बालकनी में देख रहे थे। एंड अब मैं आपको रूम टूर ख़त्म करवाती हूँ, हम लोग अंदर चलते हैं अब घर के अपना। एंड यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं चेयर पर, यहाँ पर हम लोग को चेयर भी दिया गया है। एंड यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए हर जगह ग्रीनरी है। एंड यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीच में न्यूडी का। वहाँ पर इतनी धूप थी और इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर रेड फ्लैग्स भी लगे हुए थे वहाँ पर अलर्ट करने के लिए कि इतने दूर मत जाइए क्योंकि ज़्यादा लहर आती है। लेकिन फिर भी जो लोग थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो तो अपनी मस्ती में गगन थे। हम लोग भी वाटर में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जा रहे थे, लेकिन हम लोग को डर भी लग रहा था, लहर इतनी बड़ी बड़ी थी। अब हम लोग स्विमिंग पूल में आ गए हैं, कितना मज़ा आ रहा था। ये देखिए ईजा भी छप छप कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था स्विमिंग पूल में। यहाँ पर ना एक स्मॉल कॉर्नर है, एक बिग कॉर्नर है, मतलब स्मॉल कॉर्नर में छोटे बच्चों के लिए, बड़े कॉर्नर में हम लोग के लिए। यहाँ पर मम्मा पापा ने हम लोग के लिए स्पेशली मंगाया था स्ट्रॉबेरी फैंटेसी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब मैं क्या कर रही थी, मैं वहाँ पर ऐसे रख रही थी, डब करके पी रही थी। फिर मैंने मम्मा ने कहा कि हम लोग चलो ऐसे ही पीते हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ नीचे पानी के अंदर, मुझे हो नहीं पा रहा था। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ओल्ड डीगा के बीच में, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर बैठने की भी जगह थी, न्यू डीगा में वैसे भी हम लोग बैठ नहीं पा रहे थे, वहाँ पर बस रॉक्स और रॉक्स थे। यहाँ पर पत्थर बड़े बड़े थे जिससे हम लोग बैठ के व्यू इन्जॉय कर पा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था व्यू। आज रात हो गई थी, मतलब रात हो गई थी, और कितने अच्छे लाइट से, ये देखिए लाइट कितनी अच्छे से चमक रही है रात के टाइम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अब ठंडा ठंडा लग रहा है लेकिन भीड़ बहुत है, पता नहीं इतना भीड़ क्यों होता है यार। एंड यहाँ पर झालमुड़ी बेच रहे थे, एंड यहाँ पर सारा एंड मेरी जो नेबर की बेटी है वो लोग गाड़ी में खेल रहे थे। इसके बाद ईजा आने वाली है। ये था हमारा डीगा का फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट को आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बाय बाय।